हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन दिस यूट्यूब चैनल। आई एम उषा यादव। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लिंकिंग नंबर। लिंकिंग नंबर डीएनए में कैसे फाइंड आउट करना है, क्यों हमारे लिए ये यूजफुल होता है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लिंकिंग नंबर यूजफुल क्यों है, क्यों हमें किसी डीएनए का लिंकिंग नंबर फाइंड आउट करना होता है। तो देखिए, डीएनए जो है, अगर मान लो एक डीएनए है और वो सर्कुलर फॉर्म में है, ठीक है, ये हमारा एक सर्कुलर डीएनए है और ये सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। इस सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए, जब इसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, तो हम इसको कहते हैं कि ये अपनी रिलैक्स स्टेट में है। और लिंकिंग नंबर किसी भी सर्कुलर डीएनए का, जब वो रिलैक्स स्टेट में होगा, तो उस टाइम पे उसका जो लिंकिंग नंबर होगा, दैट इज इक्वल टू जीरो। सॉरी, जीरो नहीं बोलेंगे, कहेंगे कि उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। हम कहेंगे जब हमारा डीएनए सर्कुलर डीएनए रिलैक्स स्टेट में रहता है, तो उस टाइम पे हमारा जो लिंकिंग नंबर है उसमें कोई भी चेंज नहीं आता, ठीक है। तो ये लिंकिंग नंबर हमें डीएनए की टोपोलॉजी के बारे में बताता है, ठीक है, कि डीएनए का टोपोलॉजी कैसा है, राइट। सो हमें जब भी डीएनए की टोपोलॉजी देखनी है, उस पर किसी तरीके का एंजाइमेटिक एक्शन देखना है, तो हम देखते हैं कि उसका लिंकिंग नंबर क्या है। क्योंकि ये लिंकिंग नंबर में अगर किसी भी तरीके का चेंज आ रहा है, मतलब डीएनए की टोपोलॉजी में चेंज आ रहा है, मतलब डीएनए के ऊपर किसी ना किसी तरीके की एंजाइमेटिक एक्टिविटी काम कर रही है और डीएनए की टोपोलॉजी में चेंज आ रहा है। अब जब भी हमें लिंकिंग नंबर कैलकुलेट करना होता है, तो हम लिंकिंग नंबर कैलकुलेट करते हैं, एल से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा और इसको कैलकुलेट किया जाएगा वर्थ नंबर प्लस में ट्विस्टिंग नंबर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ, तो जो लिंकिंग नंबर है मेरा, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, L इज फॉर लिंकिंग नंबर। इसमें जो हमारा W है, ये रिप्रेजेंट करेगा वर्थ नंबर, और जो आप T देख रहे हो, ये रिप्रेजेंट करेगा ट्विस्टिंग नंबर। ट्विस्टिंग नंबर के डीएनए के अंदर कितने ट्विस्ट हमारे हो रखे, ठीक है। तो अगर मैं डिफाइन करना चाहूं, अगर मैं एक डेफिनेशन देना चाहूं किसकी, लिंकिंग नंबर की, तो मैं कैसे इसको डिफाइन कर सकती हूं। सो डेफिनेशन ऑफ लिंकिंग नंबर, जो कि हमें डीएनए की टोपोलॉजी के बारे में बताता है, उसको हम कहेंगे कि द नंबर ऑफ टाइम्स, कितने नंबर ऑफ टाइम्स दैट द टू स्ट्रैंड्स, क्योंकि हम लोग यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड डीएनए की बात कर रहे हैं, तो हम उसके दोनों स्ट्रैंड्स की बात कर रहे हैं। और जनरली लिंकिंग नंबर किसके लिए कैलकुलेट होता है, एक क्लोज्ड सर्क्यूलर डीएनए के लिए, ठीक है, जो कि जैसा मैंने कहा डबल स्टैंडर्ड है, डबल हेलिकल मॉलिक्यूल है, राइट। तो द नंबर ऑफ टाइम दैट द टू स्ट्रैंड ऑफ अ क्लोज सर्कुलर डबल हेलिकल मॉलिक्यूल क्रॉस ईच अदर, क्या है उसका लिंकिंग नंबर, कि कितनी बार उसका डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल के अंदर वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इस फॉर्मूला से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसी फॉर्मूला के अंदर हमने ट्विस्टिंग नंबर की बात करी है, तो ट्विस्ट नंबर क्या होता है, ट्विस्टिंग नंबर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वो हम समझते हैं। देखिए, ट्विस्टिंग नंबर क्या होगा, ट्विस्टिंग नंबर होगा किसी रिलैक्स्ड सर्कुलर डीएनए का, ऑफ अ रिलैक्स सर्कुलर डीएनए है, ठीक है, रिलैक्स फॉर्म में है, तो रिलैक्स सर्कुलर, और वो भी हमारा कैसा है भैया, क्लोज्ड है, ओपन नहीं, हम ओपन की बात नहीं कर रहे। डीएनए इज द टोटल नंबर, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर डिवाइडेड बाय, कि हमारे पास एक क्लोज सर्कुलर डीएनए है, उसमें टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर क्या है, एंड उसका हम डिवाइड करेंगे बाय द नंबर ऑफ बेस पेयर टर्न ऑफ द हेलिक्स, ठीक है। अगर इसको डिफाइन करें, तो हम कहेंगे कि ऊपर हमें रखना है कितने नंबर ऑफ बेस पेयर है उस रिलैक्स्ड मॉलिक्यूल के अंदर, राइट।
डिवाइड किससे करेंगे? टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर से। और हम लोग बात करते हैं तो हम बात करते हैं बी फॉर्म ऑफ डीएनए की, और हमें पता है बी ऑफ फॉर्म ऑफ डीएनए के अंदर 10 बेस पेयर पर हेलिक्स टर्न हमारे पास होता है, तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं 10 से। ठीक है, तो ऐसे हम ट्विस्टिंग नंबर कैलकुलेट करेंगे। अब तीसरी जो टर्म है जिसकी हम बात करेंगे, दैट इज वर्थ नंबर। कि वर्थ नंबर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सो ये नंबर ऑफ टाइम होता है हमारा डीएनए, मतलब कितनी बार मॉलिक्यूल को क्रॉस कर रहा है, दो स्ट्रैंड की बात कर रहे हैं ना, तो कितनी बार उसको क्रॉस किया जाए। आई होप आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम वर्थ नंबर की बात करते हैं, एक सेकेंड, यस, अब हम वर्थ नंबर की बात करते हैं। तो वर्थिंग नंबर उसको कैसे डिफाइन किया जाएगा? ये हमारा वर्थिंग नंबर है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे भैया? ठीक है, वर्थ नंबर हमने कहा इट इज द नंबर, ये वो नंबर होता है ऑफ नंबर ऑफ टाइम्स, कि कितनी बार क्रॉस किया जा रहा है द अराइज ऑफ अ डीएनए मॉलिक्यूल क्रॉसेस इट्सेल्फ द, हम बात करेंगे कि उसमें कितनी सुपर कॉइलिंग हो रही है, क्योंकि आपको पता है कि जब उसके अंदर सुपर कॉइलिंग होती है तो टोपोआइसोमेरेज एंजाइम करता है, तो उसमें उसकी टोपोलॉजी इफेक्ट होती है ना, तो इसीलिए लिंकिंग नंबर हमारा कैलकुलेट किया जाता है, जिससे हम ये पता कर सकें, क्योंकि लिंकिंग नंबर रिलैक्स सर्कुलर डीएनए के लिए हमारा सेम रहता है। अगर उसमें कोई चेंज आ रहा है, मतलब डीएनए की टोपोलॉजी में चेंज आ रहा है। तो अब ये तीनों टर्म हमें समझ में आया कि L इज इक्वल टू W प्लस T होता है, लिंकिंग नंबर इज इक्वल टू वर्थ प्लस में ट्विस्टिंग नंबर होता है। और जब हम बात करते हैं किसी रिलैक्स्ड मॉलिक्यूल, फॉर अ रिलैक्स्ड मॉलिक्यूल, रिलैक्स मॉलिक्यूल हम मतलब डीएनए की बात कर रहे हैं, अगर हमारे पास एक रिलैक्स्ड डीएनए है तो उस कंडीशन में जो वर्थिंग नंबर है हमारा जीरो होता है। अब वर्थिंग नंबर है तो सोचिए इस इक्वेशन के अंदर अगर हम पुट करेंगे, मतलब L इज इक्वल टू T हो जाएगा। ये हमें ध्यान रखना है, एक रिलैक्स सर्कुलर डीएनए के लिए वर्थ नंबर इज इक्वल टू जीरो, इसीलिए लिंकिंग नंबर इज इक्वल टू ट्विस्टिंग नंबर, जितने नंबर ऑफ ट्विस्ट है उतना ही उसका लिंकिंग नंबर हो जाएगा। सो लिंकिंग नंबर बेसिकली हमें क्या बताता है कि कितनी बार हमारे डीएनए के अंदर ब्रेक हो रहा है, कितनी बार वो रीजॉइन हो रहा है एंजाइमेटिक एक्टिविटी से। अगर लिंकिंग नंबर में चेंज आ रहा है, मतलब डीएनए की टोपोलॉजी चेंज हो रही है, तो फाइंड आउट कर सकते हैं कि डीएनए के ऊपर कितना एंजाइमेटिक एक्शन हो रहा है। ठीक है, ये इसका हमारा बेनिफिट है, क्यों हम लिंकिंग नंबर को कैलकुलेट करते हैं। आई होप ये छोटा सा टॉपिक आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा, ये आपको बहुत से न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेगा। प्लीज हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस वीडियो लेसन, एंड प्लीज शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।